MH1 न्यूज के सारे दर्शकों मेरे यानी हरकीरत सिंह आलू वाले तरफों प्यार भरी सत श्रीकाल। तुहाडे सारयां दा स्वागत साडे स्पैशल प्रोग्राम विच कलाकार बोलदा विच। अज मेरे नाल जिहड़ा कलाकार है उहनू किसी भी इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं क्योंकि वह अपने आप च एक बहुत वड्डा इंट्रोडक्शन है। जी हाँ, मैं गल कर रहा रिंग दे किंग दी, द ग्रेट खली दी। सत श्री अकाल जी, नमस्कार। बड़े कलाकार तो नहीं है लेकिन ओके सो दिलीप सिंह राणा तो तुहाडी द ग्रेट खली की शुरुआत किवें रही? मैसेज बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि एक ड्रीम था कि मैं अपने हिंदुस्तान पर, अपने पंजाब में एकेडमी खोलूं मैं, और एकेडमी बनाई है मैंने पंजाब में, जलंधर में, और बहुत अच्छी चल रही है। शुरू शुरू पे थोड़ा एक डर भी था, नर्वस था कि भाई हिंदुस्तान पे जा रहा हूँ वापस अब 15 साल के बाद, लेकिन मतलब अभी जो उस टाइम जो नर्वस थी मेरे अंदर कि भी क्या होएगा कैसे होएगा, वो बिल्कुल नहीं है अभी, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पांस मेरे को मिल रहा है। और बस एक जुनून था कुछ अपने हिंदुस्तान के लिए करने का भी, अपने हिंदुस्तान के लिए कुछ करिए, और अपने जो नौजवान हैं जो अपने मतलब एक लाइफ की ट्रैक से भटकते हैं कि उनको वापस अपने मतलब स्पोर्ट्स पे लगाने, तो मेरा शुरू से ड्रीम था कि भी उनको मैं रेसलिंग सिखाऊं और स्पोर्ट्स पे लगाओ, तो अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी हम कंपटीशन करा रहे हैं पानीपत में 12 अक्टूबर को, क्योंकि जब तुसी रिंग च उतरते सीगे तो जब तुसी अपने ओपोनेंट्स नूं ललकारदे सीगे तुसी बहुत वधिया पंजाबी बोलदे सीगे, और सानू भी बड़ा माण महसूस होंदा जी कि एक पंजाबी बंदा जाके WWF च फाइट कर रहा है तो एक वधिया पंजाबी बोल रहे, नाल ही जिहड़े ओपोनेंट्स ने उन्हां नूं ललकार रहा। हाँ बिल्कुल, ये भी एक लगता है कि खली पंजाबी बोलनी चाहिए है, मजा मैं मेरे को बोलता हूँ, आधी पंजाबी आधी हिंदी, पर मैं ट्राई करता हूँ अगर हिंदी मेरे पंजाबी बोली जाएंगी। सो या मेरे को वहां पर ये मेरा एक करेक्टर था कि भाई ग्रेट खाली इंग्लिश नहीं बोलेगा और पंजाबी बोलेगा और हिंदी बोलेगा, तो और मैं मतलब करता था मतलब, क्योंकि इंग्लिश उतनी आती भी नहीं थी, जो भी आते थे कोई थोड़ी बहुत उसको भी बोलते भी नहीं आपने सिर्फ पंजाबी बोलना, तो पंजाबी पे बोलना जैसे बोलते ना कि किसी को ललकारना गाल देना का कुछ मजा ही कुछ और है पंजाबी पे। सो तुहाडे पहले दिमाग च किवें आया कि हाँ मैं WWF जाना है, वो सोच पहली बार कद आई सी? बस एक मैं पंजाब पुलिस पे था मैं, और पंजाब पुलिस पे मैं सोचते ना कि एक अंदर बिल्कुल आग जलती थी कि भी कुछ यार कुछ अलग सा करना है मतलब, क्योंकि जब मेरे शरीर ये मेरी हाइट अलग है, बॉडी अलग है, क्योंकि उस टाइम मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, तो लोग मेरे को बड़ा देखते थे कि भी मतलब क्या बॉडी है मतलब, है ना, क्योंकि मेरे को नहीं उस टाइम इतना रियलाइज होता था कि मेरी इतनी अच्छी बॉडी है, मैं बहुत एक्सरसाइज करता था मैं, तो उस टाइम मैं सोचता था कि कुछ अलग करिए मतलब। तो मैं जैसे टीवी पे देख रहा था मैं एक दिन, तो मैं रेसलिंग चल रही थी, तो मैंने उस टाइम सोचा कि भी पंजाबी फिल्म इंग्लिश फिल्म है ये कोई, पर लेकिन फिर डिस्कस करी मैंने जिम पे जाके भी, मैं आज फिल्म देखी बड़े अच्छे थे, तगड़े तगड़े थे, तो फिगर आउट कर रहे थे भी कौन कौन सी फिल्म है ये मतलब, लेकिन फिर किसी लड़कों ने बताया भी ये WWE होगी, WWF होंगी, उस टाइम WWF चलती थी, तो उन्होंने बताया, तो मैं दूसरे दिन में अच्छी तरह देखूंगा अगर आएंगे तो मैं ट्राई टू यू नो कभी फिल्म लगाई हो, तो वो तो मतलब हफ्ते की एक बार आती थी मतलब, तो हफ्ते के बाद आई फिर मैं देखा, फिर मैं आराम से चौकड़ी मार के बैठ गया कि भी मैं फिल्म देखता हूँ, और क्योंकि बहुत अच्छी मेरी फेवरेट फिल्म थी मतलब रेसलिंग मतलब, सो दूसरे दिन हाँ उनने बताया भी बाद में मैंने, हाँ मैंने कहा WWF थी जो आप बता रहे थे, तो बस उस देख के शौक पड़ गया, और उसके बाद मैं कैलिफोर्निया चला गया था USA, और वहां पर मैंने ट्रेनिंग ली थी मतलब रेसलिंग की। जब तुसी पहली बार अमेरिका गए सीगे, क्योंकि जब इंडियन बंदा जिन्हों इंग्लिश मेरे वर्गे जिमें इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जब पहली बार अमेरिका जाता है, सो इंग्लिश बोलने नाल तुहानू प्रॉब्लम हुई सी? बिल्कुल, स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत थी, मैं 2000 पे गया था मैं फर्स्ट टाइम में USA में, तो उस टाइम तो
बहुत ही दिक्कत थी मतलब, जैसे बोलते हैं ना अभी सी भी नहीं आती थी इंग्लिश की, ओके तो बाद में यहाँ थोड़ी मतलब थोड़ी थोड़ी बोल लेते, यश नो जैसे होते, या परदेसी बन देंगे, ओके चक देंगे फटे, यस 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 कर लेते, लेकिन शुरू में बहुत प्रॉब्लम थी। सो दलीप सिंह राणा ते द ग्रेट खली, तुसी हिमाचल तो बिलोंग करते हो, तो उसके बाद तुसी पंजाब च आके वसे जलंधर के अंदर, हिमाचल गवर्नमेंट की तरफों तुहानू कोई हेल्प मिली सी, या जेड़ा टैलेंट तुहाडे अंदर सीगा वो हिमाचल सरकार ने तुहानू उस टैलेंट नू किते ना किते हेल्प करने की कोशिश की थी? आई थिंक जब मैं स्टार्ट करी मतलब, तो उस टाइम चलो किसी को पता नहीं था भाई दिलीप सिंह मतलब ये कि भी इतना फेमस हो जाएगा मतलब हिमाचल में और इंडिया में, और उस टाइम तो था कि भी चल ठीक है ही मतलब रोड वर्कर मतलब स्ट्रीट वर्कर मतलब तो मैं रोड पे काम किया मतलब, तो उनके नज़र पे वही था कि भी मतलब यार दिलीप भाई तो काम करता है मतलब अच्छा काम करता है मतलब। तो फिर जब मैं पंजाब में आया मैं, तो पंजाब पे फिर मेरे को जैसे बोलता ना एक दमाद बना लिया पंजाब दामाद ने बनाया, और एक एक मेरे को प्लेटफॉर्म मिला मतलब कुछ करने के लिए, जहाँ मतलब स्पोर्ट्स का गढ़ था। तो उस टाइम MS भुल्लर DGP थे, IG थे उस टाइम पर, लेकिन स्पोर्ट्स पे थे वो PAP में। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट मतलब की मतलब, और सारे स्पोर्ट्स मैनों की, तो एक फिर मतलब एक जैसे बोलते ना एक जुनून कि नहीं अब तुम्हें कुछ करना है। तो जब लोग जून जुलाई लोग सोते थे मतलब कूलर के पंखे के थल्ले, तो उस टाइम मैं रनिंग करता था कि भी मतलब जो एक दिन पे ठान ली ना मैंने कि भी यार मतलब वेट कैसे लूज होता है, सिक्स पैक कैसे बनेंगे, फिर भी रनिंग करनी पड़ती है, तो अच्छा रनिंग करनी पड़ती। तो मैं मतलब दो दो तीन तीन घंटे में रनिंग ही करी जानी, धूप पे ऊपर खूब धूप लगा हुआ है तो रनिंग ही करी जानी, पसीना आ रहा है मतलब चलो कोई बात नहीं मतलब। तो लोग मेरे को बोलते कहते पागल हो गया, कहते पहाड़ से आए पहाड़ी पागल हो गया। तो लेकिन मेरे को ये जब जैसे बोलते ना जब बाद में रेस्ट करना, तो अपने आप को इतनी एनर्जी फील होती थी कि वाह मेरे को साथ किया है कुछ है ना। तो बस वही मतलब दिन पर दिन मेरे को ना बॉडी इतनी डेवलप होगी मतलब, और वेट ट्रेनिंग मैंने दो दो तीन तीन घंटे करनी मतलब, तो बॉडी इतनी डेवलप हुई मतलब कि जो लोगों को मतलब एक ही लगा भी हुआ कि अब अच्छी बहुत अच्छी बॉडी है। तो वही चीज मेरे को ना एक ऊपर लेगी कि अपनी मेहनत और जो एक लगन थी वहीं से मेरे को डबल डोली पे चले, डबल डोली का जो रास्ता चुना तभी, क्योंकि अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस था ना कि मैं कुछ भी कर सकता हूं मैं। खली जी की गल करिए, यू बिलोंग टू अ रेसलिंग डिपार्टमेंट, जे एक डिपार्टमेंट असं किसी को दे देने ना, एंड यू ऑल्सो अ यूथ आइकन फॉर रेसलिंग स्टूडेंट्स। यूथ अजकल जिम की तरफ जाता है और उन्होंने हेल्थ तो अपनी हेल्थ नाल बड़ा कॉन्शियस, अपनी हेल्थ नू लैके कोई डाइट करता है, कोई बॉडी बिल्डिंग करता है। सो एज एन यूथ आइकन ऑफ रेसलिंग, तुसी की मैसेज पहुंचाना चाहोगे? मतलब कॉन्शियस तो पहले भी थी, अभी क्या है कि अभी लोगों के पास पैसा खुला गया, और जो डाइट है वो बहुत ही मतलब एक बेकार सी डाइट होगी कि भी मतलब बर्गर और ये पिज्जा कोल्ड ड्रिंक और ये चीजें आ गई मतलब बनावटी चीजें बहुत आ गई, नेचुरल चीजें नहीं है मतलब। जैसे पहले होता है दूध दही लस्सी मतलब जो एक घर की डाइट होती वो नहीं खाते अब, वो एक तो सबसे पहले ओरिजिनल मिलती ही नहीं, अगर कोई खाता तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता मतलब, उसका क्योंकि इम्यून सिस्टम ऐसा इतना हो गया है। तो जिम जाते हैं तो सोचते हैं कि भी बस हार्ड मेहनत तो कोई करना नहीं चाहता, कोई ना कोई ड्रग्स लेने लगता है मतलब। तो वो देखता है कि भी मतलब जैसे फिल्म के एक्टर है वो करते हैं कि भी उन्होंने वो तो उनका तो जो मीडिया होता है मैनेज किया होता है उनने, ठीक है उन्हें मीडिया को मैनेज किया होता है, उन्हें बोलना कि भी यार मतलब क्या बात है, उस फलाना एक्टर ने 2 महीने पे बॉडी बना ली, सिक्स पैक बना लिए, वो उनको बताया होता भी तुमने ये पब्लिसिटी करनी मतलब है ना कि इस फिल्म पे मेरा ये रोल है तो तुमने ये बताना है। तो वो अपने जो नौजवान है वो सोचते शायद 2 महीने पे बॉडी उसने बनाई है तो मैं भी बना सकता हूँ, तो उनकी बॉडी कभी बॉडी नहीं होती मतलब कैमरा के शॉट मतलब उन्हें जो क्या बोलते हैं नेचुरल बॉडी इसको नहीं होती। नेचुरली बॉडी नहीं है,
और जो कोई बनाता है वो ड्रग्स लेता है, पर आई थिंक उसमें भी जो एक्टर है वो कम ड्रग्स लेते हैं, वो सिर्फ डिजाइन का बॉडी को क्या बोलते हैं उसको, फोटोग्राफी करते हैं वो जिससे बॉडी, एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करते हैं जिससे बॉडी अच्छी लगती अच्छी है, लगती ठीक है। है। तो लेकिन उनकी अच्छी बॉडी होती नहीं, तो हमारे सोचते कि हम 2 महीने पे बॉडी बनाए, तो बोलता अगला जो कोच होता है वो बोलता कि नहीं जी आप ये इंजेक्शन लगा लो आपकी बॉडी बन जाएंगी। तो दो दो 3 महीने पे 6 महीने पे बॉडी तो बन जाती है, लेकिन उसके बाद जो खराब होते हो तुम उनको ही पता है। हाँ स्टेरॉइड्स जो यूज करते हैं हाँ जो तो वही टेस्टोस्टेरोन नुकसान जो होते हैं ना उनको ही पता है जो खाते हैं, मतलब तो नुकसान बहुत जल्दी होते हैं नुकसान उसके जी, लिए। नेचुरल बॉडी बनानी हो या बढ़िया तो बॉडी बनानी हो तो कीवी बनानी चाहिए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि नेचुरली डाइट खाए और मेहनत करे और रेस्ट करे, मतलब क्योंकि तीनों चीज बैलेंस भी होनी चाहिए, डाइट भी, रेस्ट भी और वर्कआउट भी। नेचुरल नेचुरल डाइट से की कुछ खाना चाहिए था? डाइट भी से दूध है और लस्सी है और अंडे है, चिकन है, बकरा है, ये मतलब नेचुरल प्रोटीन है। जैसे कार्बोहाइड्रेट भी जाइए पता, जैसे केड़ा है मतलब फ्रूट है, मतलब सेब है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट फ्रूट मतलब, और राइस है, ये बहुत अच्छी चीज है। राइस लोग बोलते हैं राइस नहीं खाना चाहिए, तो भले लोग खाते हैं लेकिन जो वो डाइजेस्ट करने के लिए बहुत इजी होते हैं। ब्राउन राइस, ब्राउन राइस तो और अच्छा है उस पर, क्योंकि मतलब कैलरीज कम, फैट कम होती है, ओके। और फॉरेन के जितने रेस्लर है वो ये चीजें खाते हैं, मतलब राइस खाते हैं, बॉडी बिल्डर है, तो नेचुरल डाइट खानी चाहिए जो, मतलब ये नहीं मतलब आर्टिफिशियल की ओर नहीं जाना चाहिए हमारे को। जैसे कोई फूड सप्लीमेंट लेते हैं मतलब इधर इधर से, मतलब वो नहीं खाने चाहिए, मतलब जो, क्योंकि मतलब आजकल नकली बहुत आ गए, जो भी फूड सप्लीमेंट ले रहे हो देख के लेना, मतलब जी गल करिए सेंट्रल गवर्नमेंट दी, साढ़े देश के अंदर क्रिकेट खेडिया जाता है, साढ़े देश के अंदर बैडमिंटन खेडिया जाता है, और भी जड़े अड अड स्पोर्ट्स ने वो खेले जाते हैं हिंदुस्तान के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट तो तुसी एज एन रेसलर या फिर एज एन आइकन ऑफ यूथ ऑफ रेसलिंग तुसी की मांगना चाहोगे या की मैसेज पहुंचाना चाहोगे? रेसलिंग इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है रेसलिंग का, क्योंकि हम अभी आप पता नहीं कौन सी रेसलिंग की बात कर रहे हैं, मतलब एमेच्योर रेसलिंग या WWE केड़ी और इस, रेसलिंग तुसी खेल रहे थे? हाँ जो मैं WWE WWE, जो स्टाइल मतलब है ना। क्योंकि तुहाडे बाद तो कोई इंडियन मैं देखिया नहीं WWE ते पहुंचना, ना पहुंचिया। हाँ तो इसका फ्यूचर बहुत बड़ा है, मतलब फ्यूचर बहुत बड़ा, लेकिन हमारे को फर्स्ट एड नहीं होना चाहिए, एक दिन पे, 2 दिन पे और 2 महीने पे नहीं रेसलर बना जाता, और इसके लिए बहुत टाइम लगता है, और रेसलिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मतलब तुसी कम नहीं है हिंदुस्तान पे। जो अगर रेसलिंग देखिए आज वर्ल्ड वाइज सबसे जो ज्यादा है रेसलिंग वो हिंदुस्तान पे देखते हैं।